बहुत अक्सर ये होता है, एक मेल ईगो होता है भाई, ठीक है, ईगो, यस यस बिल्कुल, जहां आदमी बोलता है यार वाइफ कमाए ठीक है पर वाइफ की कमाई पे मैं जीऊंगा नहीं, होता है कभी बार, आता है लोगों पे, बिल्कुल आता है। तुम्हारे अंदर वो आया था? मेरे अंदर ऐसा आया नहीं, मैं वैसे उस हिसाब से काफ़ी प्रोग्रेसिव हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि अगर बेगम काम करती रहे और मैं घर पे आराम करूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बच्चे भी संभाल लूँगा, खाना बनाने नहीं आता उसके लिए हम एक हाउस हेल्प रख लेंगे, तो मुझे मैं मतलब आई एम ऑल फॉर यू नो वेमेन गोइंग टू वर्क एंड अर्निंग एंड क्या कहते हैं उसको, घर चलाएं सब कुछ, मतलब वो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उल्टा मुझे तकलीफ ये हो रही थी कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था उसमें भसड़ थी, मुझे उनके कमाने से ज़्यादा मेरे ना कमाने से प्रॉब्लम थी, और इस वजह से मैंने एक बार उनको पूछा भी था कि यार मतलब ये सब मेरे ड्रीम्स व्रीम्स के चक्कर में साला तुम लोगों की मैंने बैंड बजा दिया यार, मतलब सारे कर्जे चढ़ गए, साला घर खरीदा था वो भी बेच दिया, तुम्हारे भी बेच दिया, घर भी बेच दिया, जेवर वेवर सारे बेच दिए, अब क्या मतलब ये मेरे एक ड्रीम की वजह से तुम सब लोग वो हो रहे हो, यू नो सफ़र कर रहे हो। तो उन्होंने कहा था कि आज एक बार बोला ये, इसको दोबारा मत बोलना, क्योंकि जो भी सैक्रिफाइसेस या कुर्बानियाँ तुम दे रहे हो वो तुम अकेले नहीं दे रहे हो, हम सब तुम्हारे साथ में, और अगर तुम ये बोलोगे कि ये गलत किया तो हम सब की कुर्बानी वेस्ट हो जाएगी। एटलीस्ट उनके लिए ये जॉइंट ड्रीम था। यस, जैसे मुझे लगता है शायद जब आप एक्टिंग कर रहे हो तो आपकी मोहतरमा, आपका बच्चा, आपकी फैमिली, वो उनको लगता है वो स्क्रीन पर, बिल्कुल है ना, बिल्कुल बिल्कुल, आपने एकदम करेक्ट बात बोली। और फिर उन्होंने यही कहा कि यार अगर कुछ नहीं भी होता है आगे चलकर, एटलीस्ट इस चीज़ की तसल्ली रखो कि तुमने कोशिश तो की लाइफ में अपना सपना पूरा करने की, कई लोग वो भी नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट इतनी हिम्मत दिखाई तुमने, अपनी ज़िंदगी के इतने साल दिए, लोग ये भी नहीं कर पाते हैं, एटलीस्ट तुमने ये तो किया, तो इसका तो इस चीज़ की तो तसल्ली रहेगी। भाई जो पहला जो ब्रेक था उसमें पैसे मिले थे कि नहीं? पहला जो मैंने सुना है, सॉरी, मैंने सुना कि जब पहला ब्रेक होता है तो लोग कहते रोल दे देंगे भाई साहब, पैसे नहीं देंगे। पैसे मिले थे, बहुत कम मिले थे लेकिन मिले थे। तो जैसे मैं जब नौकरी कर रहा था उसी दौरान मैंने दो फिल्में की थी, स्लमडॉग मिलियनेयर और हाले दिल, जिसमें छोटे छोटे से वो थे, और मतलब वो था कि एक दोस्त ने बोला कि ऑडिशन पे जा, मैं हुआ सेलेक्ट, हो गया, ऑफिस से छुट्टी ली, मैं वापस, आई हैड नो इंक्लिनेशन ऑफ यू नो परस्यूइंग इट एज अ करियर, बिल्कुल दूर दूर तक वो नहीं था। तो जब मैंने ऑडिशन देना शुरू किया तो जो सबसे पहला काम मिला 3 साल बाद वो था जब तक है जान, और उसके मुझे 2 लाख रुपए मिले थे, मुझे आज भी याद है, वो तो मैं भूल नहीं सकता। 2 लाख रुपए? 2 लाख रुपए। कितने दिन की शूटिंग थी? मतलब एटलीस्ट 20 डेज का था, और मेरे लिए तो वो मैंने कोई मोल भाव करने का वो ही नहीं था, मैंने बोला आप जो देंगे, नहीं भी देंगे तो मैं खुशी खुशी शूट पर हाजिर हो जाऊंगा। तो माने 20,000 रुपीज पर डे? हाँ ऐसा ही कुछ, तो विच वॉज नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। और कौन सा ईयर था ये? शायद 2012, विच इज नॉट बैड फॉर दैट टाइम। और वो तुम्हारा पहला बड़ा काम, पहला एक्टिंग का काम था, और सीधा मुझे जब तक है जान मिली थी, और उसके तुरंत बाद फिल्मिस्तान जिसमें मैंने मेन लीड प्ले किया, तो तुम्हारे वो तो अंगार बचा दिया तुम्हें भाई, उसके लिए मुझे 1.5 लाख मिले थे। अच्छा। और वो कितने दिन? वो 20 दिन का काम था, और उसमें मैं 20 के 20 दिन था। ओ गॉड। तो तुम्हारे बहुत सारे सॉलिड फिल्म्स हैं, जब तक है जान, सीरीज फैमिली मैन, फिल्मिस्तान, तुम अभी तरला कर रहे हो, द लिस्ट इज नेवर एंडिंग, अभी वैसे होने लग गया है। अरे तो कौन से एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जिसने नॉट ओनली तुम्हारी जिंदगी बदली भाई, बट तुमने लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखा? टू फिल्म्स, अगर दो प्रोजेक्ट्स बोलूं तो मैं, एक तो सबसे पहले फिल्मिस्तान है, मेरी लाइफ जो है, मतलब लोगों ने पहली बार जब मुझे पहचाना, मेरे काम को रिकग्नाइज किया, वो फिल्मिस्तान था, क्योंकि जब तक है जान से भी मुझे लोगों ने पहचाना, अप्रिसिएशन भी मिला, लेकिन फिल्मिस्तान क्योंकि आई वॉज प्लेइंग द मेन लीड और कहानी पूरी मेरे इर्द गिर्द थी, तो उससे मुझे अवॉइड करना मुश्किल था, और फिल्म वाकई बहुत अच्छी प्यारी बनी थी, उसे नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट हिंदी फिल्म का, और मैंने वो सेरेमनी अटेंड की जब हमें नेशनल अवार्ड मिला था, और वो इतना प्राउड मोमेंट था ना, जब नितिन कक्कर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, जब वो अवार्ड लेने गए राष्ट्रपति जी से, ओह कमाल कमाल, वो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। तो उसने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ख़तरनाक चेंज, वो एक बदलाव लेकर आया,
उस फिल्म मतलब फिल्मिस्तान से बदलाव इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री आपको नोटिस करना या फिर आम आदमी उठकर के ना रहे यार सारे भाई सेल्फी क्या था या दोनों? नहीं, आम आदमी का सेल्फी थोड़ा मुझे उसके लिए वक्त लगा क्योंकि फिल्मिस्तान जो थी थोड़ी नीश फिल्म थी, उसकी रीच बहुत ज़्यादा मतलब पहुँच ज़्यादा लोगों तक तब वो पहुँची नहीं थी, लेकिन जितने भी लोगों ने देखी थी फिल्म, मतलब वो जितनी भी लिमिटेड ऑडियंस थी, वो फिल्म के बहुत डाई हार्ड फैंस हैं। और वो मुझे, हम जब फिल्म फेस्टिवल्स में जाते थे तो हम कोरिया में थे, साउथ कोरिया में बुसान फिल्म फेस्टिवल में, और एक स्क्रीनिंग हो गई थी और हम रस्ते पर ऐसे ही वॉक कर रहे थे तो एक कोरियन बंदा आया और उसने वो मुझे आके एकदम हक कर दिया, सनी 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 या मूवी ऐसे करके। वो जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया ना, ना उनको हमारी भाषा आती ना हमको उनकी भाषा आती है, लेकिन वो सिर्फ वो कहानी से वो जिस तरीके से वो जुड़े थे और वो ऐसे गले लगे जैसे वो मुझे जानते हैं, क्योंकि वो कैरेक्टर भी ऐसा था सनी अरोरा कि आप मतलब उसमें अपनी झलक आपको नज़र आती है, तो वो ऐसे गले लगा और मैं भी उससे उतने ही दिल से मैंने भी मतलब भाई को गले लगाया, और वो बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और धीरे धीरे अवार्ड्स में मैं सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ था फिल्मिस्तान के लिए, याद है हाँ, और स्क्रीन मुझे मिला भी था स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल, लेकिन जो वो सेल्फी लेने वाला वो चीज़ हुई फैमिली मैन से क्योंकि फिल्मिस्तान के बाद पता नहीं मुझे लगा था कि भाई अब तो हो गया अपन पहुंच गए बट लेकिन साला वो पता नहीं क्या था, डेस्टिनी टाइम या ऊपर वाला थोड़ा और मुझे मतलब तपाना चाहता था और अच्छे से मतलब तराशना चाहता था, थोड़ा और पिघलाना चाहता था लोहा तो मेरे ख्याल से तो 3 साल और सडनली मतलब जो मैं कुछ अच्छी फिल्में साइन की थी वो शुरू होने से पहले ही बंद हो गई या कुछ आधे में अटक गई या अगर जो बन गई तो रिलीज़ नहीं हो रही है, और टाइम फिर गुजरता गया, साल का 2 साल हो गया, 2 साल का 3 साल हो गया। यानी कि फिल्मिस्तान जिसके लिए तुम्हें नेशनल अवार्ड मिला, फिल्म को मिली, ऑफ कोर्स माने तुम्हें मिली तो फिल्म को मिली तुम्हें मिली, बात वही बट फिर तुम बेरोजगार ऑलमोस्ट हो गए 3 साल माने बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन शिट। तो वो टाइम मेरे लिए ज्यादा मुश्किल था क्योंकि फिल्मिस्तान के पहले मैंने कोई सक्सेस देखी ही नहीं थी, तो जब फिल्मिस्तान लाइफ में हो गई भले मतलब बहुत बड़े पैमाने की कामयाबी नहीं थी लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी सक्सेस थी फिल्मिस्तान। तो उसके बाद जब फिर से लोग गायब होने लगे और फिर से मीडिया मतलब फिर पहचानने लगा, पहचानने की कोशिश करने लगा कि ये कौन आया है, जब मैं कोई मीडिया इवेंट पर जाता था आके ऐसे ही गुजर जाता था और कोई बोलता भी नहीं था, और फिल्मिस्तान के वक्त थोड़ा सा लोग सर बुला लेते थे रुक जाता था, तो वो फिर से गायब और फिर ऑडिशन करना पड़ रहा है, फिर से मतलब वो चक्कर काटो मैं, और पैसे फिर ख़त्म होने लगे यहाँ तक कि मतलब फिर मेरे जो मेरे साले साहब हैं यूएस में उन्होंने बोला तो बॉम्बे इधर आ जा, यूएस आ जा, यहाँ पे तेरे को सेटल कर देता अब कर लिया शाहरुख खान के साथ काम कर लिया, अब भी कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा तुम्हारी शाहरुख खान के साथ काम करने के बाद फिर से बेरोजगार हाँ मतलब ये मैं क्या कहते हैं उसको, लोग जो आम लोगों की जो एक मेंटालिटी होती है ना कि अरे अगर मतलब एक इतने बड़े स्टार के साथ में अगर आपने काम कर लिया तो फिर तो मतलब नहीं आप हो ही गया, हाँ लेकिन ऐसा सबकी अपनी लाइफ होती है, सबकी अपनी जर्नी होती है, सबकी अपनी डेस्टिनी होती है, तो वो आपको अपने हिसाब से अपनी इंडिविजुअल जर्नी आपको तय करनी पड़ती है, और मैं उस सफर में निकल पड़ा था, मुझे अब कोई और काम नहीं करना था और मेरा फोकस वहीं था। ये शाहरुख, ऋतिक रोशन, मनोज बाजपेयी, लिस्ट बड़ी लंबी है जिनके साथ तुमने काम किया है, राइट? क्या अभी कह सकते हो ये लोग तुम्हारे दोस्त बन गए कि नहीं? दोस्त मेरे जो आपने नाम गिने उनमें मैं अगर किसी को दोस्त मानूंगा तो वो मनोज सर हैं मेरे मतलब मुझे फैमिली मैन के ज़रिए एक दोस्त, एक बड़ा भाई, एक फिलोसोफर, एक फ्रेंड जो वो सारा कहते हैं ना टीचर, वो सब ऑल रोल्ड इनटू वन मनोज सर में मिला, और मतलब वो मेरी बहुत बड़ी कमाई है फैमिली मैन के थ्रू जो मुझे मिली है। और कुमुद मिश्रा जी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, इनामुल हक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर मैं अपने एक्टर्स में जो आप कह रहे हैं अगर तो मैं इनको मतलब बहुत ही ज़्यादा और इनके साथ काम भी काफ़ी किया है और काफ़ी वक्त भी ज़्यादा बिताया है, तो उस वजह से
मतलब शाहरुख सर के साथ जब मैंने काम किया था जब तक के जान में, तो मेरी एक तो पहला काम था और इतना बड़ा सेटअप था कि मेरी, मैं वैसे ही थोड़ा सा बंद बंद रहता था और ज़्यादा मतलब ज़्यादा खुला नहीं था उस वक्त सेट पर, तो और थोड़ा डिस्टेंस बना के रखता था, पता नहीं किसी को क्या चीज़ बुरी लग जाए तो उस वजह से शायद वो मतलब बॉन्ड, वो बॉन्ड क्रिएट नहीं हुआ. बट ही वॉज वेरी स्वीट टू मी. बहुत मतलब जब भी हम शूट कर रहे होते थे, कोई सीन कर रहे होते थे, वो इतना प्यार से बात करते थे और मेरे डायलॉग्स में भी मतलब वो कुछ इम्प्रोवाइज़ करवाते थे कि अरे यार ये अच्छा है. तो मतलब ही वॉज मेकिंग माई डायलॉग्स बेटर फॉर मी. मतलब मेरे लिए तो ये, और शाहरुख खान साहब कर रहे हैं तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है. और ऋतिक का, ऋतिक वॉज अमेजिंग. बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके और वो भी मतलब काफ़ी इनक्रेजिंग थे. और जब हमने साथ में काम किया तो अगर मेरा क्लोजअप लगा जबकि जिसमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तब भी वो मतलब वो मौजूद रहते थे. इनफैक्ट मॉनिटर पे वो मेरा क्लोजअप भी उन्होंने दो तीन बार देखा, जो कि मुझे बहुत मतलब प्यारी चीज़ लगी उनकी और बहुत अच्छा लगा. और वो इतना इन्वॉल्व होते हैं फिल्म में शूट के वक्त और वो बहुत प्रिपेयर होकर आते हैं. ऐसा नहीं कि मतलब अभी अभी करते हैं लाइन, अभी देखेंगे और फिर मैं अच्छा मैं इस वक्त किस जोन में हूँ. वो सब वो ही इज़ ऑल प्रिपेयर्ड वेन ही लैंड्स ऑन द सेट. तो वो बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी और एज अ को एक्टर उन्होंने मुझे मतलब पूरी मतलब शिद्दत के साथ वो किया. और जो मेरी सबसे नई दोस्त, मतलब मैं अगर आप दोस्त जो कह रहे हैं, वो है हुमा कुरैशी. मतलब वो, अरे वो तो बिंदास है यार. इतनी प्यारी, इतनी डार्लिंग और इतनी बढ़िया इंसान है कि मैं क्या बताऊँ. मुझे तो इनफैक्ट जब इस फिल्म के लिए मुझे मुकेश छाबरा साहब के यहाँ से कॉल आया और उन्होंने बोला कि एक बहुत अच्छी फिल्म है और ये एक बार आके नरेशन सुन ले, तो मैं उनके ऑफिस गया. पीयूष गुप्ता जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे नरेशन दिया. मैं पागल हो गया. मतलब इतना, मतलब मैं तो मतलब गिर गया पैरों में कि भाई डोंट लुक एनीवेयर एल्स, प्लीज कास्ट मी, दिस इज मी, आई एम नलिन दलाल, नोबडी कैन प्ले नलिन दलाल. मतलब तो मैं उनसे बोल रहा था कि भाई बस मुझको कास्ट कर लो. फिर उन्होंने बोला नहीं, एक बार हमको ना एक 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 रीडिंग करनी है आपकी, मतलब जो जो तरला प्ले करेंगी उनके साथ में एक बार रीडिंग एक बार देख लेते हैं फिर मतलब फिर. तो बोला ठीक है सर, पक्का. तो आप जो बोले, मैं तो कुछ भी करने को तैयार था तरला के लिए. मतलब आई वॉज सो मूव्ड बाई द स्क्रिप्ट एंड द कैरेक्टर देवर ऑफरिंग मी. मैं गाड़ी में बैठा निकला, फिर मैंने फ़ोन करके जो मुकेश भाई के असिस्टेंट है उनको फ़ोन करके पूछा, अरे ये जो तरला है वो कौन प्ले कर रही है. तो पूछा ही नहीं वो तो मैंने पूछा ही नहीं. और उन्होंने बोला हुमा कुरैशी. बोला अबे माँ की आंख में आंसू आ गए मेरे. मैंने बोला ये तो अब तो नहीं होगा, हुमा कुरैशी इतनी बड़ी स्टार, इतनी लंबी और मैं इतना छोटा. कहाँ होगा कोई, ये तो पहली, मतलब मैंने बोला यार इतना बढ़िया रोल है, ये इस वजह से नहीं जाना चाहिए. और नहीं गया. हाँ, लेकिन जब हमने फिर जब मैं गया रीडिंग के लिए, जब हम मिले मैं और हुमा, वी कनेक्टेड इमीडिएटली. जब हमने साथ में रीड करना शुरू किया, वी स्टार्टेड इम्प्रोवाइजिंग, वी स्टार्टेड यू नो बॉन्डिंग, जेलिंग. इतना क्विक था ना वो, कि मतलब मुझे तो बहुत मज़ा आया. मुझे लगा कि शायद अब और भी लोग होंगे और फिर वो देखेंगे, फिर वो डिसाइड करेंगे. बट पीयूष गुप्ता और एवरीबडी मतलब देन सेट की है ये नलिन दलाल के लिए शारिब इज़ द राइट चॉइस. और आई एम रियली, आई कांट थैंक देम इनफ. पीयूष भाई, मुकेश भाई, अश्विनी अय्यर मैम और नितेश भाई और RSVP से सब पाशान और हसनैन सब ने, मतलब जिन लोगों ने मतलब मुझे नलिन दलाल देने में मदद की ना, हुमा बहुत बिंदास है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है. इतना मज़ा आया ना, मुझे लगा कि साला बहुत स्टारी देगी एटीट्यूड मुझको, बट वो इतनी प्यारी है, इतनी मस्त. मुझे मतलब एकदम कमाल की को एक्टर मिली. और मैं चाहता हूँ कि हम बहुत सारा काम करें, चाहे उसमें मैं फिर से उनका पति ना बनूं, लेकिन आई वुड लव टू वर्क अगेन एंड अगेन विद हुमा. शी इज अ वंडरफुल को एक्टर एंड अ ब्यूटीफुल पर्सन. क्या बात है भाई, लग रहा है कि ये वॉकिंग टॉकिंग हुमा के PR एजेंट, मार्केटिंग एजेंट सब है भाई. हुमा भक्त भाई कंगना के मालिक तेरे बंदे हम. भाई कंगना के साथ कैसे था? बहुत बढ़िया था, बहुत बहुत मजा आया था. थोड़े लोग एक्चुअली, मैं कंगना को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी दोस्त भी है वो, एंड मुझे बहुत अच्छी लड़की लगती है, पर बहुत से लोग डरते हैं.
मुझे डराया गया था ऐसा, मुझे कुछ लोगों ने डराया था कि भाई उसके ना पास में मत जाना और उसको टच मत करना कोई सीन में, अगर ऐसा कुछ, अगर सीन में लिखा भी होगा ना डिस्क्रिप्शन में कि यू गो है, मतलब ऐसे करके कि हाथ पकड़ना या करना ही मत तो मैं इतना डरा के भेजा था। जब पहला दिन था शूट का, इतना प्यार से मिली और इतना पूरा दिन हमने जो काम किया वो इतना बढ़िया रहा, इतना कमा, मैं बोला कौन हैं वो लोग जो इतनी बुराई कर रहे थे इस बंदी की, इतनी इतनी प्रोफेशनल हैं और मतलब इतना क्या कहते हैं रिस्पेक्ट दे रही हैं मेरे अपने को एक्टर को, तो प्रॉब्लम क्या है उनको छुआ भी नहीं तुमने ऐसे ऐसे करके ऐसे वो उसकी जरूरत सीन में नहीं थी जरूरत, तो वो छुआ तो नहीं, बट वो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था यार बिल्कुल यार। एक चीज वो इनफैक्ट वो मतलब वो बहुत प्यार से हग करती थी मुझे, तो मतलब अरे तुम प्यारे हो भाई तुम्हारे नाम ही होना चाहिए हगबल इंसान वो वाला हग नहीं है अंग्रेजी वाला हग, अंग्रेजी वाला हग तू वैसे हो, तुम्हें देखते ही मुझे लगता है साला इसका निचोड़ पप्पी दो तीन ऐसे ही।